नमस्कार, यूट्यूब चैनल मैथ सेरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास क्लास 12 आरबीएससी की उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको गणित विषय में तैयारी करनी है। आज मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर जो 9th है इंटीग्रल कैलकुलस यानी कि इंटीग्रल्स, उसकी जो एक्सरसाइज 9.3 है उसके जो बेसिक्स हैं उससे अवगत कराऊँगा, यानी कि जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं इसके लिए उसको समझाऊंगा, उनको समझाऊंगा और उससे आप फिर ये पूरी एक्सरसाइज करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक्चुअली ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, यानी कि प्रतिस्थापन की विधि। तो इसमें अपन को कुछ ऐसा प्रतिस्थापन करना पड़ेगा एक्स के लिए जिससे कि ये इंटीग्रल बिल्कुल आसान हो जाए और उसको सॉल्व किया जा सके। तो इसके लिए जो चार बेसिक फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज में काम आने वाले। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी इंटीग्रल्स होंगे जिनके लिए आपको मैं सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में ये चार इंटीग्रल की बात करेंगे। तो ये जो पहला है इंटीग्रल ऑफ 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका आपको याद रखना फॉर्मूला 1/a टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, याद कर लें इसको कि पहला फॉर्मूला। दूसरा जो है ये वाला 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, इसको भी याद कर लें। तीसरा है इंटीग्रल 1/√x² प्लस ए स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस ए कॉन्स्टेंट सी, इसको भी याद कर रहे हैं। और जो चौथा है इसके अंदर ये पहला दूसरा तीसरा और जो चौथा वो है 1/√x² माइनस ए स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका आएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस ए कॉन्स्टेंट। तो मैं एक एक करके इन चारों ये जो फॉर्मूले इनको प्रूव करूँगा और इससे आपके ये बेसिक जो इस चैप्टर के वो क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। देखिए, इसका जो पहला है लिख देंगे, हमेशा जब कभी किसी इंटीग्रल को फाइंड करना होता है ना, तो उसको आई मान लेते हैं, कैपिटल आई, आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रल। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इट इम्प्लाइज आई इक्वल टू। और देखिए इसमें क्या अपन रखें, क्या सब्स्टिट्यूट करें एक्स की जगह पर कि हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकें। तो आप जानते हैं कि क्लास 10 में जो आइडेंटिटी थी त्रिकोण में तीय सर्व समीकरण, उसमें एक थी 1/tan² θ इक्वल टू sec² θ। तो ये 1/tan² θ के रूप में लाया जा सकता है। कैसे? अगर मैं एक्स को लिख दूँ a tan θ, अगर मैं एक्स को लिख दूँ a tan θ, और अब अगर मैं इसको विद रेस्पेक्ट टू थीटा करूँ, इसको डिफ्रेंशिएट, तो क्या होगा dx/dθ। तो ए तो कांस्टेंट है और टेन थीटा हो जाएगा sec² θ, मैं कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अब हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, तो dx/a sec² θ dθ, ये हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, ये जो चर राशि है ना इनको हमने अलग अलग कर दिया, ये हम यहाँ पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 1/a² प्लस x² यानी x क्या था a tan θ, तो x² क्या हो जाएगा a² tan² θ, और dx को लिखेंगे अपन a sec² θ d θ।
it implies I is equal to integral 1 upon, इसमें ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो यहाँ ए है और यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो एक ए कट जाएगा और एक ए रह जाएगा, ए रह जाएगा। इट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, अब ये वन अपॉन बाहर निकाल लेंगे हम, कॉन्स्टेंट है ना, ये है सेक स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ही होता है, आइडेंटिटी है ये डी थीटा। अब ये भी कट गया, इट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू वन अपॉन ए इंटीग्रल ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अगर ये वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स होता है तो इसको हम आंसर कहते हैं एक्स, पर यहाँ विद रेस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है, इट मीन्स आई इज इक्वल टू वन अपॉन ए। अगर वन का इंटीग्रल एक्स आता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने पर, तो विद रेस्पेक्ट टू थीटा करने पर थीटा आएगा, ठीक है ना। और अब आप देखिएगा यहाँ पे हमें ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ए क्या था, अगर मैं वापस से यहाँ से लूँ ये आपके, ये अगर मैं यहाँ से लूँ वापस वैल्यू किसकी, ए टेन थीटा की, क्या थी एक्स, ए टेन थीटा था ना एक्स, बताइए इसमें ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलो ए को तो ए रहने दो, हम तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे, इससे टेन थीटा क्या आ जाएगा, व्हाट इज टेन थीटा, ये आ जाएगा एक्स अपॉन ए, थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अच्छा यहाँ जब करते हैं अपन इंटीग्रल तो सीधे लगाती है ना कांस्टेंट, इट मींस आई इज इक्वल टू वन अपॉन ए, और थीटा को लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, और यही हमको प्रूव करना था। ये देखिए मैं लिखवाया ना वो इसमें वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो ये पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया। और दूसरा कर लेते हैं, दूसरा क्या है वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना यानी कि उचित प्रतिस्थापन करना ही सबसे सही काम होता है, तो यहाँ हम चूँकि बीच में माइनस आ गया ना, अगर मैं कहूँ आपसे कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से आएगा, अगर हम एक्स को मान लें ए साइन थीटा, अगर हम एक्स को मान लें जैसे मैंने मान लीजिए कहा लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसका रूट लेंगे हो जाएगा कॉस थीटा, बिल्कुल सिंपलीफाइड हो गया, एकदम सिंपल बन गया। लेकिन यहाँ जो डी एक्स है ना इसको भी चेंज करना पड़ेगा, वेरिएबल चेंज किया ना आपने, एक्स को ए साइन थीटा माना, तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा करूँ डिफ्रेंशिएट, डी एक्स बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है और साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। अब मैं वेरिएबल को सेपरेट कर दूँ, अलग अलग कर दूँ वेरिएबल को, तो डी एक्स बराबर ए कॉस थीटा डी थीटा। वैसे ये आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही कर सकते थे, एक्स है ना यहाँ पे तो डी एक्स कर दें और ए और साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, साथ में डी थीटा लगा दें, लेकिन प्रॉपर मेथड ये जो मैंने आपको बताया। एक और बात जो है इसमें आपको थीटा निकालना पड़ेगा बस, तो ये वापस लेता हूँ मैं इसको आगे, अगर x बराबर a साइन थीटा है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा x अपॉन a, तो थीटा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। अब ये देखो dx आ रहा है, dx को क्या लिखेंगे अपन, a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा d थीटा,
इट मीन्स आई बराबर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा कॉमन, तो बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ए कॉस थीटा डी थीटा। अब वन अपॉन, अब ए स्क्वायर और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा। इट इम्प्लाइज आई बराबर, ऊपर है ए कॉस थीटा और नीचे भी देखो जब स्क्वायर रूट लेंगे ना इसका वर्गमूल तो ए कॉस थीटा ही आएगा। ये कट गया पूरा ही। इट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू वन डी थीटा। इट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, अब वन का विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे ना तो ये थीटा ही होगा, प्लस सी तो लगाना ही पड़ेगा। थीटा क्या है? ये रहा थीटा है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये दूसरा फॉर्मूला पर बोल रहे हमने ये वाला, ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब तीसरा भी कर लेते हैं, तीसरा क्या था? तीसरा लिखेंगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही था। ये वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, आप देखेंगे शुरुआत में तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही था, हमने एक्स को क्या माना था ए टेन थीटा, तो यहाँ पर भी हम एक्स को ए टेन थीटा ही मानेंगे। देखिएगा पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, इट मीन्स डी एक्स बाई डी थीटा ए टेन थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब हम करते वेरिएबल सेपरेट, तो डी एक्स बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और यहाँ से आप क्या देखेंगे कि जो टेन थीटा की वैल्यू है वो आ रही है एक्स अपॉन ए। अब ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसके अंदर, चूँकि रूट मारा ना ये ज़रा आई इज इक्वल इंटीग्रल वन अपॉन एक्स को क्या माना मैंने ए टेन थीटा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ये सब रूट में है। और डी एक्स को क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आगे करते हैं, इट इम्प्लाइज आई बराबर, और ये जो पहले वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट, अब ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, और यहाँ है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो वन अपॉन ए स्क्वायर, और आप जानते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, ये देखिए ए सेक स्क्वायर को मैं दो बार लिख देता हूँ, सेक थीटा इंटू सेक थीटा, और ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का लेंगे स्क्वायर रूट जाएगा ए सेक थीटा। ऑफकोर्स यहाँ पे
हमारे इंटरव्यू चल रहा था और मैंने यहाँ पे इंटरव्यू लगाना भूल गया था, तो इंटरव्यू तो चलना ही पड़ेगा सबको, ये कोई समागलन हो रहा है आय का, मतलब ये समागलन नहीं यहाँ पे, यहाँ मैंने आपको जल्दी से समागलन लिखना भूल गया यहाँ पे, तो ऐसा हो जाएगा। इट इम्प्लाइज आई बराबर, अब ए से ए कट गया, सेक थीटा से सेक थीटा कट गया, तो इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा। और आपने जो पहले इनकी जो एक्सरसाइज ज़रूर की होगी इंटीग्रल्स की, तो सेक थीटा का जो होता है इंटीग्रल, इसके कई फॉर्मूले हैं लेकिन एक जो फॉर्मूला है सेक थीटा का वो है लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, प्लस एक कांस्टेंट लगा देते हैं, उसको मैं सी की जगह सी वन बोलूँगा इस बार। इसका एक कारण है कि अभी हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसमें एक कांस्टेंट और आएगा, तो उस कांस्टेंट को इससे जोड़कर हम बाद में सी बोलेंगे। अब हमें चाहिए वैल्यू यहाँ पे सेक थीटा की और टेन थीटा की। आप देखिएगा, आपने टेन थीटा को लिख रखा है एक्स बाई ए, है ना, ये टेन थीटा एक्स बाई ए। एक ट्राइंगल बना लें आप ऐसे, ये थीटा, और टेन थीटा को आपने क्या मान रखा था, टेन थीटा की वैल्यू कितनी थी एक्स बाई ए, यहाँ से निकली ये वैल्यू। जब हमने x को मारा था ना ये टेन थीटा, तो टेन थीटा हो गया x बाई ए, और टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया x और ये हो गया a, ये हो गया x बाई ए, हो गया ना x अपॉन ए लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया टेन थीटा x अपॉन ए। अब ये है आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूस है यानी कर्ण, कर्ण क्या होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई बराबर लॉग ऑफ, नाउ सेक थीटा, सेक क्या होता है कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी कि कर्ण बटा आधार, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा ए, और टेन थीटा क्या हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस सी वन। इट इम्प्लाइज आई बराबर लॉग, अब देखिएगा यहाँ पे ए एलसीएम आ रहा है, क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी वन। अब आप जानते हैं कि लॉग के रूल के अंदर कि लॉग एम बाई एन जो होता है वो लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, ये फॉर्मूला है लॉग का, ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो हम कह सकते हैं आई बराबर ये पूरा है न्यूमरेटर यानी अंश और ये हर, तो हम कहेंगे लॉग ऑफ, अच्छा दिस प्लस दिस को या दिस प्लस दिस को एक ही बात है, क्योंकि एडिशन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है यानी कि क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये अपॉन वाला ना तो माइनस लॉग ए हो जाएगा, माइनस लॉग ए, क्योंकि होता है ये लॉग एम बाई एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस प्लस सी वन। एंड फाइनली जो आई आ गया लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको प्लस सी कह देते हैं, वेयर सी इज इक्वल टू सी वन माइनस लॉग ए, ये सी वन माइनस लॉग ए को मैंने सी मान लिया, ये नया क्वेश्चन है और ये हमारा प्रूफ हो गया, सिद्ध कर दिया हमने इसको। अब देखिएगा चौथा फॉर्मूला वो क्या था, वही मानेंगे लेट आई बराबर, ये है वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सब्स्टिट्यूशन बदल जाएगा यानी प्रतिस्थापन को चेंज करना पड़ेगा,
यहाँ माइनस आ रहा है, और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या एक्स को मानेंगे हम एक्स को मानेंगे ए सेक थीटा। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू थीटा करो डिफरेंशिएट, तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ए तो कॉन्स्टेंट है और सेक थीटा का क्या होता है सेक थीटा टेन थीटा। अब वेरिएबल को अलग अलग कर लेंगे तो डी एक्स बराबर ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये सब बातें हम यहाँ पुट करेंगे। अब इट इम्प्लाइज आई बराबर क्या माना हमने एक्स को, ए सेक थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और डी एक्स क्या हो जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। यहाँ पे देखिएगा, और अगर मैं इसको वापस यू आ लूँ तो सेक थीटा क्या आएगा, सेक थीटा आएगा एक्स अपॉन ए। अब इट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, ऊपर है ये ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर आएगा कॉमन, तो बचेगा ब्रैकेट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इट इम्प्लाइज आई बराबर, अब देखिए इंटीग्रल ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा अब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर, तो वन से वन कट जाएगा, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा आई इज इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा अपॉन, इसको लेंगे वर्गमूल स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर का ए और टेन स्क्वायर का टेन डी थीटा। अब ए से ए कट गया, टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, इट मीन्स ये क्या हो गया इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा का वही होता है लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये फॉर्मूला बेसिक प्लस ही लगा देंगे। अब आपको सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पुट करनी है। अब देखिएगा यहाँ से आपने सेक थीटा को माना हुआ है एक्स बाई ए, देखिए भाई ये आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, ये थीटा है और सेक थीटा क्या होता है कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सेक होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो सेक थीटा कितना अपने चल रहा है यहाँ पे, देखो हमने सेक थीटा को क्या मान रखा है एक्स अपॉन ए, तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा ए, हो गया ना हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सब वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, तो लॉग ऑफ पहले सेक थीटा वो तो भाई एक्स बाई ए है, प्लस टेन थीटा तो वो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंबड़ा आधार, तो ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी आई बराबर लॉग ऑफ, ये ए एल से आ जाएगा ना, तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। अब मैं सी को सी वन बोलूँगा क्योंकि सी बाद में आएगा। आई बराबर वही बात लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ए तो ये है बी ये है, तो लॉग ऑफ
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस का लॉग ए और प्लस का सी वन आई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज इक्वल टू, अब ये सी वन माइनस लॉग ए, सी वन भी कांस्टेंट है लॉग ए भी कांस्टेंट है, तो सी वन माइनस लॉग ए को मैंने सी नाम दे दिया और ये हमने फॉर्मूला प्रूव कर दिया। तो जिस प्रकार से हमने ये फॉर्मूले ड्राइव किए ना, उसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर पी एस को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। तो भाई आप लोगों से बहुत आशा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर नहीं किया हो तो, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएंगे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जा सकूं। मैं आपको ये नहीं पढ़ाता हूं, मैं ज़्यादातर डिप्लोमा और बीटेक के बच्चे में से पढ़ते हैं, और उसके अलावा छठे से लेकर बारहवीं तक के बच्चों के लिए मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं ऑन डिमांड। तो ये फ़ायदा सबको मिले ऐसी आशा करता हूँ, तो उसके लिए आप भी हमको सहयोग करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।